हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइडेड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि ये सेट का चौथा सेट है और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। और ये 1000 प्रश्नों का संग्रह मैंने बनाया है और इन सभी प्रश्नों से आपके ये एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर उपकरण का नाम बताना है कि जिसे छोटी दूरियों के चिन्ह व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा इंकिंग पेन का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटी दूरी और उसके चिन्ह के विभाजन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, पतले व पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है। पतले व पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर का उपयोग किसमें किया जाता है, ड्राइंग की नकल बनाने में या फिर अमोनिया प्रिंट बनाने में या दोनों में या इनमें से किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा, दोनों में, ड्राइंग की नकल बनाने में एवं अमोनिया प्रिंट बनाने में ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी आरेख में इनमें से क्या दर्शाया जाता है। तो किसी भी आरेख में क्या दर्शाया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आवश्यक मापे हैं, ऑप्शन बी है उत्पाद संबंधी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों आवश्यक मापे और उत्पाद संबंधी, ये दोनों किसी भी ड्राइंग में दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरेखन ड्राइंग की प्राप्ति के लिए इनमें से क्या अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। तो आरेखन ड्राइंग की प्राप्ति के लिए इनमें से क्या अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन है पेपर आकार, ऑप्शन बी है प्लाट आकार, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, आरेखन ड्राइंग की प्राप्ति के लिए पेपर आकार एवं प्लाट आकार दोनों का प्राथमिक आवश्यकता होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों लोग का भी भला हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विमांकन का व्यवस्थापन आवश्यकता के अनुसार किस हेतु किया जाता है। तो विमांकन का व्यवस्थापन आवश्यकता के अनुसार किस हेतु किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टॉलरेंस के संचय हेतु, ऑप्शन बी है कार्य संबंधी आकार को निष्प्रभावी रखने हेतु, और ऑप्शन सी है जोड़ने की त्रुटि से बचने हेतु, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि विमांकन का व्यवस्थापन की आवश्यकता, टॉलरेंस का संचय, कार्य संबंधी आकार को निष्प्रभावी रखने और जोड़ने की त्रुटि से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। समांतर रेखाओं की रचनाओं के लिए रचना किसकी सहायता से की जाती है। तो मिनी ड्राफ्टर से की जाती है या टी स्क्वायर से या सेट स्क्वायर से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो इन सभी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा समांतर रेखाओं में रचनाओं की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है, प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसमें मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है, तो कोण डिग्री में, कोण को मापा जाता है और वो भी डिग्री में मापा जाता है, तो ये प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदा द्वारा क्या मापा जाता है। चांदा आप लोग जानते हैं, चांद इस तरह का बना हुआ होता है, तो इससे क्या मापा जाता है, तो रेखी मापन को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, टी स्क्वायर तथा सेट स्क्वायर के संयोजन से विभिन्न रेखाएं खींच सकते हैं और इनके संयोजन से कौन सी रेखाएं नहीं खींचे जा सकते हैं। तो ऊर्ध्व रेखाएं नहीं खींचे जा सकते हैं या फिर तिरछी रेखाएं या अच्छी रेखाएं या समानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर तथा सेट स्क्वायर से समानांतरण रेखाएं नहीं खींचे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभियांत्रिकी कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पेंसिल उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो जिसमें उपयुक्त प्रकार का उस विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। तो इन सभी बातों को इतना छोड़ जाइए, ये चीज भूल जाइए, मेन बात आपके यहाँ से आता है, संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल लेनी होगी। तो संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए
आपको 2H एंड 3H की पेंसिल लेनी होगी, ठीक है। ये एक मध्यम पेंसिल में आ जाता है, मैंने ये पेंसिल के बारे में पूरा डिटेल आपको पहला वीडियो में बताया है, आप वो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देख लें। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के प्रयोग में क्या सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए। तो ड्राइंग बोर्ड के प्रयोग में सुरक्षा, ड्राइंग बोर्ड कटा हुआ ना हो, ये भी सावधानी रखनी चाहिए। और तो ये दूसरा सावधानी ये है कि ड्राइंग बोर्ड गंदा ना हो, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोनों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। तो ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने से पूर्व उस पर क्या करते हैं, तो ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने से पूर्व नाम लिखते हैं या आकृति बनाते हैं या फिर बाउंड्री लाइन खींचते हैं या डायमेंशन लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाउंड्री लाइन खींचते हैं ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट पर सभी इकाई किसमें होती है, तो सभी इकाई एमएम में होती है, मिलीमीटर में होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलिक्स किस सतह के ऊपर एक समान गति से अक्ष के समांतर एक पूरे चक्र को घुमाते हुए वक्त को प्राप्त करता है। तो समान गति से अक्ष के समांतर एक पूरे चक्र को घुमाते हुए वक्र प्राप्त करता है, तो हेलिक्स किस सतह पर, वो सतह बताना है। तो वो सतह बेलनाकार सतह पर अक्ष के समांतर पूरे चक्र को घुमाते हुए वक्र प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक इन्वोल्यूट वक्र का उपयोग किया जाता है, तो इन्वोल्यूट वक्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो गियर के उत्पादन में किया जाता है इन्वोल्यूट वक्र का प्रयोग। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और ड्राइंग में 20 सेंटीमीटर की लंबाई से दर्शाया जाता है, तो निरूपक भिन्न क्या होगी। तो मैंने निरूपक भिन्न के बारे में भी पहले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है। तो वहाँ निरूपक भिन्न का सूत्र होता है कि वो ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई और बटे वास्तविक वस्तु की लंबाई, तो 20 सेंटीमीटर बटे 20 सेंटीमीटर करेंगे तो वो एक हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो निरूपक भिन्न एक आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह आकृति जिसका आधार व शीर्ष एक जैसा होता है तो उसे क्या कहते हैं। वह आकृति जिसका आधार व शीर्ष एक जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का आधार और आकृति सब एक जैसा होता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मशीन पर लंबे चिप्स बनने पर उन्हें हटा देना चाहिए। तो मशीन पर अगर लंबे चिप्स बनते हैं तो उन्हें किसके द्वारा हटा देना चाहिए, हैमर द्वारा या फिर हाथ द्वारा या मशीन द्वारा या पंच द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीन द्वारा लंबे जो चिप्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं उस पर, तो उसे हटा दिए जाते हैं। और कोण मापने में सुविधाजनक विधि कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवा स्केल का प्रयोग कोण मापने में किया जाता है, जो कि बहुत ही सुविधाजनक विधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो मानक ड्राइंग बोर्ड के अनुसार वर्णित किया गया है, ठीक है। तो D4 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार कितना होता है, तो D4 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा, 500 × 250 × 15 mm का D4 साइज का ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है। ड्राइंग बोर्ड के भी बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है, आप वहां से जितने भी ड्राइंग बोर्ड हैं D1, D2, D3, D5 तक D0 से लेकर जितने भी ड्राइंग बोर्ड हैं उन सभी ड्राइंग बोर्ड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से ड्राइंग का विवरण जो होता है उसे प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कोई कारीगर अपने मनोभावों को किस माध्यम से प्रेषण कर सकता है। तो कोई भी कारीगर है और अपने मनोभावों को किस माध्यम से प्रेषण कर सकता है, तो उसे क्या इससे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इंजीनियरिंग के माध्यम से या फिर ड्राफ्टमैन के माध्यम से या उपर्युक्त दोनों के माध्यम से। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, इंजीनियरिंग के इंजीनियर के माध्यम से और ड्राफ्टमैन के माध्यम से कोई भी कारीगर अपने मनोभावों को प्रेषण करता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के परिमाण में क्या सम्मिलित होता है। तो किसी वस्तु के परिमाण में चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई, ये तीनों सम्मिलित होता है, ठीक है। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो जैसे आपका ये CBT 2 का एग्जाम्स होने वाला है और इसके बाद साइको के लिए बुलाया जाएगा, तो साइको के एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि आप इस सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के माध्यम से ही आप यहाँ पर साइको की क्लासेस चलाई जाएगी, ऑनलाइन आप साइको की क्लासेस
कर सकते हैं। तो और ज्यादा से ज्यादा इस बात को आप सारे दोस्तों में बताइए कि सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर के माध्यम से पढ़ाई के साइको की ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। तो ठीक है, तो उस समय मैं लाइव क्लासेस लेकर साइको की क्लास शुरू करूंगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरेखन उपकरणों का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है? तो आरेखन उपकरणों का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है? तो गणित में किया जाता है, या फिर वास्तुकला में, या सर्वेक्षण में? तो इन सभी में आरेखन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सर्वे में भी किया जाता है, वास्तुकला में भी किया जाता है, और गणित में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। और हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 300 मीटर होती है। ठीक है, सॉरी 300 मिलीमीटर होती है 100 मीटर की लंबाई। तो इस तरह से आज के टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और इसके बाद मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।